नमस्ते दोस्तों, भारत गैस आपको जानकारी देते हैं एलपीजी सिलेंडर की तीन सबसे जरूरी चीजों के बारे में। सुरक्षा। गैस की सुरक्षा में ट्यूब की भूमिका सर्वप्रथम होती है। भारत गैस आपसे सुरक्षा एलपीजी गैस होस ही इस्तेमाल करने की सलाह देता है। साधारण हरी ट्यूब पर मौसम के बदलाव का बुरा असर पड़ता है और सुरक्षा ट्यूब पर इसका कोई असर नहीं। इसकी तीन खास परतों से बनी ट्यूब से गैस का रिसाव नहीं होता। साधारण हरी ट्यूब गर्म होने से पिघल सकती है और आग लग सकती है। अग्निरोधक सुरक्षा ट्यूब पर गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता, इसीलिए यह 100% सुरक्षित है। यहाँ तक कि हरी ट्यूब को चूहा आसानी से काट सकता है। सुरक्षा ट्यूब की खास स्टील से बनी जाली चूहा नहीं काट सकता। इन सब खूबियों से सुरक्षा ट्यूब चलती है 5 साल। लेनी है अपने परिवार के सुरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा ट्यूब लेने में ही समझदारी। सावधान, हर तेल कंपनी हमेशा केवल सुरक्षा ट्यूब इस्तेमाल करने की ही सलाह देती है। सावधानी, एलपीजी सिलेंडर को हमेशा सीधा रखें, थोड़ी ऊंची और हवादार जगह पर आपकी पहुंच के अंदर रखें। गैस बर्नर को हवा के सीधे प्रभाव से दूर रखें, जिससे लौ न बुझे और न गैस का रिसाव हो। और हमेशा हॉट प्लेट गैस सिलेंडर के लेवल से ऊपर रखें। गैस की गंध महसूस होने पर सबसे पहले प्रेशर रेगुलेटर नॉब को ऑफ करें। गैस का रिसाव न रुकने पर रेगुलेटर हटा के वॉल्व पर सेफ्टी कैप लगाएं। किचन में मौजूद सभी प्रकार की आग को बुझा दें और सभी दरवाजे खिड़कियां खोल दें। इलेक्ट्रिक स्विच और ड्राई सेल टॉर्च के स्विच को ऑन या ऑफ करने से चिंगारी उत्पन्न हो सकती है। सोने से पहले और घर से बाहर जाते समय प्रेशर रेगुलेटर नॉब को घुमाकर बंद कर दें। सिलेंडर की मरम्मत करना सिर्फ गैस कंपनी का काम है। खतरे की स्थिति में आपातकालीन कक्ष से संपर्क करें। निरीक्षण, एलपीजी सिलेंडर को लेते समय सही वजन और उसकी टेस्ट डेट की जांच करें। डिलीवरी बॉय आपको सिलेंडर की प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन दिखाएगा। खाली हुए सिलेंडर से रेगुलेटर को ऑफ की स्थिति में उससे लगी लॉकिंग रिंग को ऊपर खींचें। नए सिलेंडर के वॉल्व पर लगी पीले रंग की सील निकालें और सफेद कैप से लगे धागे को खींचें। रेगुलेटर वापस लगाते समय लॉकिंग रिंग को ऊपर खींचें और सिलेंडर वॉल्व पर सीधा रखकर नीचे की ओर दबाएं, जिससे रेगुलेटर लॉक हो जाएगा। सिलेंडर बदलते समय इस प्रक्रिया का उपयोग जरूर करें और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। नए एलपीजी कनेक्शन के समय कृपया भारत गैस वितरक से संपर्क करें। हमेशा केवल सुरक्षा ट्यूब ही इस्तेमाल करें। सिलेंडर लेते समय प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करना आवश्यक है। और याद रखें, 2 साल में एक बार चूल्हे एवं गैस सुरक्षा ट्यूब की जांच गैस वितरक के प्रतिनिधि द्वारा करना अनिवार्य है। एलपीजी गैस एक नैसर्गिक संपत्ति है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद।